आप सभी जान रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी चल रही थी और गर्मी की छुट्टी समाप्त भी होने वाली है, तो हमारे संस्थान के बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे किस तरह के प्रोजेक्ट को तैयार किए हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, आपको आ जाइए इधर, और इनका प्रोजेक्ट है इधर सामने आ जाइए। ये क्या नाम है आपका? तो संजना कुमारी, आपका प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या बनाई है, क्या बना है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका यानी कि दूसरे शब्दों में इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। देखिए कितना खूबसूरत जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो है इनके द्वारा बनाया गया है, और फिर ये लोग इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे भी बारी बारी से। इसको जूम करके आप दिखा सकते हैं चित्र को, ये तंत्रिका कोशिका है। बस आप जाइए इधर से, जाइए इधर से बैठ जाइए। इसके बाद मैं अगले स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, क्लास टेंथ मधु कुमारी, आइए। और मधु कुमारी के द्वारा जो है आप और इधर आ जाइए, क्लास टेंथ में हैं और आपके द्वारा क्या बनाया गया है? मानव हृदय, मनुष्य का हृदय है। तो एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य प्रति मिनट उसका हार्ट जो है कितने बार हार्ट बीट करता है? 72 बार। चलिए बहुत अच्छा। और ये मनुष्य का हृदय बनाई है, आप देख सकते हैं इसको, और तैयारी की है, कुछ इसके बारे में बोल पाएंगी? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए बैठ जाइए अभी। अब इसके बाद क्लास टेंथ से ही आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत यहाँ आर्ट दिखाया गया है, आइए, प्रीति कुमारी के द्वारा। और ये क्या बनाई है, क्या बना है? मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इनके द्वारा बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है। तैयारी की है इसके बारे में? यस सर। आप बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ओपनिंग कौन होता है? मुख, माउथ। और माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, सेलिवरी ग्लैंड्स तीन प्रकार के होते हैं, और इसके बारे में आप बता देंगी, एक्सप्लेन कर सकती हैं? चलिए ठीक है, चलिए। अब इसके बाद जैसे आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आ जाइए, इनके द्वारा बैग लेकर भी जा सकती थी, इनके द्वारा जैसे दिख रहा है ना जी, ह्यूमन ब्रेन सर, पीछे और इक्वेशन है, ह्यूमन ब्रेन बनाया गया है, मनुष्य का मस्तिष्क। आप बताइए कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर मनुष्य वयस्क और स्वस्थ हो तो? 1400 से 1800 ग्राम या 1.5 kg। तो मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटा ग्लैंड्स कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स या मास्टर ग्लैंड्स। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर काफ़ी बेहतर है, और इसको ये लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तैयारी की है ना? चलिए बैठ जाइए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पैरों से। क्या नाम है आपका? तो क्लास टेंथ में हैं आप? हाँ। और इधर आइए, आपके द्वारा ये क्या बनाया गया है? तो ये हृदय बनाया गया है, मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य का हृदय का काम क्या है? और आगे मनुष्य के हृदय का काम है कि और सिकुड़ने का जी, ये आप देख सकते हैं मनुष्य का हृदय है, और तैयारी की है, इसको एक्सप्लेन करेंगी ना? इधर से आप बैठ जाइए, आइए। क्या नाम हुआ आपका? तो सिमरन के द्वारा आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतर पेंटिंग की गई है, और ये है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क को बनाया गया है। तो मस्तिष्क में आप बताइए कि कौन ऐसी ग्रंथि है, कौन ऐसा ग्लैंड्स है जो सबसे छोटा है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स सबसे छोटी ग्रंथि है,
और उसका काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी करते हैं, यूज करते हैं। बहुत अच्छा आर्ट्स है, आर्ट है, और इसको आप तैयारी की होंगी, एक्सप्लेन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए आइए, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ से अभिषेक कुमार, ये आप बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। तो अभिषेक आप क्या बनाए हैं? हृदय बनाए हैं। तो मनुष्य की हृदय की गति कितनी होती है प्रति मिनट? 72 बार। और आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं ठीक, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, जाइए आप, जाइए आइए। तो देख सकते हैं इनके द्वारा दिख रहा है ना जी, yes, दीपक, ये क्या बनाए हैं आप? उत्सर्जन तंत्र, एस्क्रेटरी सिस्टम बनाया गया है। आप बताइए कि एस्क्रेटरी सिस्टम में जो मतलब कि मुख्य एस्क्रेटरी ऑर्गन है, मुख्य उत्सर्जी अंग, उसका नाम क्या है? ब्रिक या किडनी। तो ब्रिक या किडनी संख्या कितनी होती है? दो। और इसको आप तैयारी किए होंगे, एक्सप्लेन कीजिएगा। जाइए बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? धनराज कुमार यादव। किस क्लास में है? नाइन्थ क्लास में। और ये आपके द्वारा क्या बनाया गया है? माइक्रोस्कोप। सही दिख रहा है ना जी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। क्या बनाया गया है? माइक्रोस्कोप। ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड की सिंपल माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका यूज क्या है? ये छोटे छोटे शिफ्ट में लोग आसानी से देख सकते हैं। इसके द्वारा इनका कहना है कि इसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके आवर्धित करके देख सकते हैं। तैयारी किए हैं, एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। और क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा और ऊपर कीजिए। और ये आप क्या बनाई हैं? सूर्यमुखी का अनुप्रस्थ काट बनाई है ये, इसमें सूर्यमुखी के पौधे के ऊपर जो विभाज्योतक होते हैं उसी को दिखाया गया है। और इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा तैयारी में। आप बताइए कौन सा ऊतक पौधा की लंबाई बढ़ाने का काम करता है? विभाज्योतक पौधा की लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। चलिए जाकर बैठ सकती हूँ। अब इसके बाद आइए इधर, आप देख सकते हैं इसको क्या बनाई है ये? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के सबसे ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति। प्लांट सेल के सबसे ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। और प्लांट सेल में और क्या खास होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता? इसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है, इनका कहना है। दिख रहा है ना जी? यस सर। और ऊपर कर लीजिए। चलिए इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा ना। चलिए रुक। क्या नाम है आपका? रागिनी कुमारी के द्वारा शायद दिख रहा होगा। और क्या बनाई है ये? तंत्रिका कोशिका। बहुत अच्छा, जाइए बैठ जाइए। और आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? तो इसको और ऊपर कर लीजिए, और ऊपर कीजिए, और थोड़ा पीछे चले जाइए, और पीछे जाइए। और दिख रहा है ना? आप बताइए कि ये क्या बनाई है? एनिमल सेल। बहुत अच्छा। तो आप बताइए कि कोई वयस्क व्यक्ति है, स्वस्थ है, उसके बॉडी में सेलों की संख्या कितनी होती है? 10^14। और एनिमल सेल के चारों ओर पाया जाता है क्या? कोशिका झिल्ली। तेज बोलना चाहिए, देख सकते हैं, दिख रहा है ना जी? यस सर, तैयारी ऊपर की है। और फिर इनके द्वारा भी क्या बनाया गया है जी? एनिमल सेल, जंतु कोशिका। चलो भाई, क्या नाम है आपका? तो आपके द्वारा क्या बनाया गया है ये? एनिमल सेल। एनिमल सेल की एनिमल सेल में किस सेल ऑर्गेन को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तैयारी है, एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। चलिए और ऊपर कर लीजिए इसको, और ऊपर और थोड़ा पीछे। क्या बनाई है ये? वुमेन हार्ट, यानी कि हृदय।
तो इसको तैयारी की है, एक्सप्लेन करेंगी। हृदय कितने भाग में बटा होता है? चार। बहुत अच्छा, जाइए। किस क्लास में है आप? नाइन्थ। और देखिए सबसे आखिरी में आप सबको थोड़ा सा पीछे जाइए, दिख रहा है ना जी? इधर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। शुरू कीजिए। तो ये क्या बनाया गया है आपके द्वारा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक आँख के सामने होता है और दूसरा वस्तु के सामने। तो आँख के सामने जो लेंस होता है उसको कौन सा लेंस कहते हैं? नेत्रिका या आई लेंस। बहुत अच्छा। और एक सवाल और आप बताइए कि जो सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु के सामने होता है उसको क्या कहते हैं? वस्तु लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाई हुई है। थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए और इसको तैयारी की है, एक्सप्लेन करेंगी ना? तो ये थे हमारे संस्थान के कुछ विद्यार्थी जो इस गर्मी के छुट्टी में पढ़ाई को इंजॉय करने के लिए ये सब आर्ट अपना दिखाने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद। एक एक करके ये लोग इसको अब एक्सप्लेन करेंगे।